दोस्तों क्या होगा अगर आपको पता चले कि एक इंसान जो पिछले 2 सालों से कोर्ट में बैठकर बतौर जज लगातार फैसले सुनाए जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एक चोर है। ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? चोर इसलिए नहीं कि उसने कोई भ्रष्टाचार किया है बल्कि इसलिए कि वो सही मायने में चोर है, जैसा एक चोर को होना चाहिए, जो पॉकेट काटता है, गले से चेन खींच लेता है, गाड़ियां चुराता है या इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम देता है। आप सोचेंगे कि हम क्या मजाक कर रहे हैं, भला देश की कोर्ट में कैसे कोई चोर जज बनकर फैसले सुना सकता है। तो दोस्तों हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि आज के इस वीडियो में हम आपको इसी चोर के जज बनने की कहानी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि कहानी जिसने भी सुनी उसके मुंह से यही निकला, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा कैसे हुआ आइए हम आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम धनी राम मित्तल है। धनी राम मित्तल जो एक दौर में सबसे शातिर और सबसे पढ़ा लिखा चोर हुआ करता था, उसने इतनी चोरियां की थी कि उसने चोरी करने में रिकॉर्ड बना दिया था। आज भी धनी राम के ऊपर 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराने का आरोप है और उन सभी आरोपों से वो बरी हो चुका है। धनी राम को आखिरी बार पुलिस ने 2016 में पकड़ा था, तब उसकी उम्र 78 साल थी और उसके बाद वो जेल से छूट गया और फिर आजाद घूमता रहा। तो आइए शातिर चोर की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। धनी राम का जन्म 1939 में हरियाणा के भिवानी में हुआ था। 25 साल के धनी राम के जीवन में सब कुछ सही चलता रहा। 25 साल की उम्र में उसने रोहतक से ग्रेजुएशन ली थी, लेकिन देश में फैली बेरोजगारी के कारण यहाँ वहाँ नौकरी के तमाम प्रयास के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली। तो उसे ये बात समझ आ गई थी कि सीधे रास्ते से उसे नौकरी नहीं मिलने वाली, इसलिए उसके मन में चोर जाग गया। सबसे पहले वो 1964 में RTO के दफ्तर में जाकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि उसे ये पता चला था कि RTO के दफ्तर में फर्जी दस्तावेज के जरिए लोगों के लाइसेंस बनाने का काम किया जाता है। ये बात धनी राम को काफी सही लगी, इसलिए उसने कुछ दिन तक RTO के आसपास घूमकर सारी बारीकियां सीख ली कि कैसे फर्जी पेपर के जरिए लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। कुछ दिन ये समझने के बाद धनी राम RTO अफसर की हर उस चीज का फर्जी दस्तावेज बनाने लगा जिसकी जरूरत किसी इंसान को लाइसेंस के लिए होती थी। कुछ समय तक इसी से कमाई करने के बाद उसे लगा ये छोटा सा काम उसके लिए नहीं है और उसने कुछ बड़ा करने का सोचा। खैर अब उसे नकली दस्तावेज बनाने आई गए थे, इसीलिए साल 1968 आते आते उसने अपना एक नकली दस्तावेज तैयार किया और एक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की नौकरी पकड़ ली। नौकरी में सरकारी कमाई तो थी, लेकिन धनी राम मित्तल का मन लगातार चोरी में लगा रहता था, इसलिए वो जल्दी ही उस नौकरी से भी बोर हो गया, जिसके बाद उसने तय किया कि अब वो स्टेशन मास्टर की नौकरी छोड़कर गाड़ियां चुराएगा। इसलिए उसने स्टेशन मास्टर की सरकारी नौकरी को छोड़कर गाड़ी चुराने का काम शुरू कर दिया। गाड़ी चुराते हुए वो कई बार गिरफ्तार भी हुआ, जेल भी गया और जेल से छूटकर आया भी, लेकिन इस बीच उसने देखा कि वकील उसे छुड़ाने के लिए बहुत पैसे भी लेते थे और बहुत तरह की आनाकानी करते थे, जिससे परेशान होकर उसने सोचा कि क्यों ना वकील बना जाए। कहानी आपको शायद फिल्मी लग रही होगी लेकिन ये हकीकत है और अभी आगे आगे देखो होता है क्या। शातिर दिमाग का फायदा उठाने के लिए उसने बिना सोचे समझे राजधानी से LLB में डिग्री हासिल की और कानून के सारे दाव पेच सीखने लगा। लेकिन अभी भी धनी राम मित्तल की लिस्ट में सबसे एजुकेटेड चोर बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उसने साथ ही साथ फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का भी कोर्स किया, ताकि वो कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से बना सके और किसी का भी कॉपी सिग्नेचर कर सके। वहीं उसे ये भी लगता था कि कहीं उसके डॉक्यूमेंट पकड़े ना जाए, इसीलिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की, जिसमें उसने ये सीखा कि कैसे असली और नकली दस्तावेज की पहचान की जाती है। बस उसके बाद क्या, धनी राम की लॉटरी निकली गई थी। अब उसे एक चोर के तौर पर हर वो चीज पता थी जिससे वो चोरी करके कमाई भी कर ले और खुद को अदालत में बरी भी साबित कर ले या अपनी सजा कम करवा ले, क्योंकि उसे पता था कि हर बार पुलिस के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होते थे। पढ़ाई करते हुए भी वो लगातार गाड़ियां चुराता और बेचता था, लेकिन पढ़ाई के बाद जब उसने सारे कोर्स खत्म कर लिए तो उसके लिए चोरी और आसान हो गई, क्योंकि वो चुराई हुई गाड़ियों के असली पेपर खुद ही तैयार कर लेता था, जिससे गाड़ियों को बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। इस तरह से धनी राम मित्तल ने खुद को सबसे एजुकेटेड चोर के रूप में साबित कर दिया था। खैर ये तो बेसिक कहानी थी, लेकिन धनी राम मित्तल से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। जैसे कि एक बार धनी राम मित्तल को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तब तक जज भी बार बार धनी राम मित्तल को अपनी कोर्ट में देखकर परेशान हो गए थे, क्योंकि वो हर बार चोरी करता, कोर्ट में आता, सजा पाता, जेल जाता और छूट जाता। इसलिए भर्ती हुए जज ने धनी राम मित्तल से कहा कि तुम फिर आ गए सजा लेने, निकल जाओ मेरे कोर्ट से।
क्योंकि धनीराम मित्तल कानून को मानने वाला चोर था, इसीलिए उसने जज की बात को शब्द दर शब्द लिया और वो कोर्ट से बाहर निकल गया। उसके साथ साथ दो पुलिस वाले भी बाहर निकले। एक चाय की बेंच पर वो पुलिस वालों के साथ चाय पीता रहा और उसने पुलिस वालों से कहा कि जज ने उसे खुद कहा है कि वो निकल जाए और वो जज की बात कैसे नहीं माने। इसके बाद वो कुछ देर तक पुलिस वालों के साथ चाय पीता रहा, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि पुलिस वाले थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं, वो वहां से भाग निकला। जब कोर्ट में उसका नंबर आया, उसे बुलाया गया तो वो लापता था और पुलिस वालों के हाथ पैर फूलने लगे थे। जब जज ने पूछा कि धनीराम मित्तल कहाँ है, तो पुलिस ने यही कहा, शराबी ने तो कहा था निकल जाओ मेरी कोर्ट से। उसने हमसे यही बोला कि जज साहब ने हमें जाने को कह दिया। पुलिस की बात सुनकर जज भी हंस पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि धनीराम मित्तल कहीं नहीं जाएगा और कुछ ही दिन में फिर पकड़ कर यहीं आएगा। इसके अलावा उसके बारे में भी लोग यही कहते हैं कि धनीराम मित्तल हमेशा दिन के उजाले में चोरी करता था। ऐसे ही चोरी करते हुए जब एक दिन वो इस चोरी के काम से ऊब गया, तो उसने कुछ नया करने का ठाना। नया करने की कोशिश में उसने इतना ज्यादा नया कर दिया कि शायद ही दुनिया के किसी चोर ने ऐसा कर पाने की हिम्मत दिखाई होगी। उसने सबसे पहले फर्जी कागजातों के बिना पर छज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को तकरीबन 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया, क्योंकि ये दस्तावेज इतने पुख्ता थे कि जज को लगा कि उन्हें सच में 2 महीने की छुट्टी मिली है। और फिर उनके जाते ही खुद धनीराम मित्तल जज बनकर उनकी कुर्सी पर विराजमान हो गया। इसके बाद क्या था, उसे उस कुर्सी पर बैठने में मजा आने लगा, क्योंकि उसे कानून की हर जानकारी पहले से ही थी, इसलिए उस पर किसी को शक भी नहीं हो रहा था। इसी दौरान उसने कितने लोगों को कैसी कैसी सजा दी और कितनों को माफी, इसका सही सही हिसाब किसी के पास नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इन 2 महीनों में उसने कुल 2,740 गुनहगारों को तो जमानत पर रिहा कर दिया था। इसके साथ ही साथ उसे जो अपराधी नहीं पसंद आए थे, उसे उसने सजा भी सुना दी थी। जब इस बात का खुलासा हुआ था तो लोग हैरानी के मारे पागल होने लगे थे, इसीलिए उसके भागते ही उसे पकड़ने से पहले उन कैदियों को पकड़ा गया जिन्हें उसने रिहा कर दिया था। खैर जो भी हो, धनीराम मित्तल शायद शांत हो चुका है, क्योंकि उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा की हो गई है। आपका धनीराम को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।